नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, इनके द्वारा नई भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और अगर आप इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल को अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर RPF 2 2024, तो ये नोटिफिकेशन आपका ओपनिंग डेट जो है यहाँ पर आपकी 15/4/2024 है। तो पर 15 जो तारीख है, इससे आपके फॉर्म जो भरने हैं ये शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 14/5/24, इसकी क्लोजिंग डेट है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म विद द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस वगैरह जो है, ये आप 15 से लेकर 24 तारीख तक आप इसको कर पाओगे। और ये आप यहाँ पर पोस्ट है, पोस्ट देख सकते हैं कॉन्स्टेबल एजुकेटिव की है। यहाँ पर पे लेवल 7 CPC रहेगा। लेवल 3 में ये आपका पे स्केल B1, और एज आप देख सकते हैं 18 से 28 की है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4208 है, तो काफ़ी ठीक जो यहाँ पर वैकेंसी है ये। और इसके साथ ही कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, तो CBT आपका रहेगा, कंप्यूटर बेस जो यहाँ पर आपका एग्जाम ये रहने वाला है। इसके साथ ही ये एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी दे दी गई है। और इसके साथ ही जो आयु में यहाँ पर जो छूट आ जाती है, एज इलेक्शन अलग अलग कैटेगरी जो उनके अनुसार। इसके बाद आ जाता है जो आपकी क्वालिफिकेशन है, इसके लिए एनएक्जरा ए जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो फीस की अगर हम बात करें फॉर ऑल कैंडिडेट, जिसमें एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, आउट ऑफ दिस फीस ₹500 एंड अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डायरेक्टेड बैंक चार्जेज अप्लाइबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल मिनोरिटीज और इकोनॉमिक जो EWS वाले हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, दिस फीस ऑफ ₹250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डायरेक्टेड बैंक चार्जेज एज अप्लाइबल ऑन अपीयरिंग इन CBT, ₹250। तो इसमें जो रेलवे जो है, इसमें कुछ ऐसा भी होता है, अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम पास नहीं होता है, तो उसकी कुछ जो मनी है वो रिफंड भी हो जाती है, अगर उस पर जो एग्ज़ाम जो है वो पास ना हो, लेकिन उसके जो है वो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं दिया हो। और ये आपके यहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस दी गई है, कंप्यूटर बेस्ड CBT आपको होगा, फिर PMT वगैरह होगा इसमें, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसी है तो फिजिकल भी होता है इसमें। 10 स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक लेवल। पैटर्न एंड सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर, टोटल ड्यूरेशन जो है 90 मिनट और टोटल 120 यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 1 मार्क फॉर इच करेक्ट आंसर, नो मार्क शैल बी अवार्डेड और डायरेक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स इन ईच वो आंसर, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर CBT हेल इन मल्टीपल शिफ्ट, मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी UR EWS एंड OBC 35%, SC/ST के लिए 30% मार्क्स लेने यहाँ पर जरूरी है। सिलेबस ऑफ CBT का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थमेटिक 35 मार्क्स के आएंगे, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 35 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस जो यहाँ पर आपके 50 मार्क्स की आएंगे। इसके बाद PMT PET है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉन्स्टेबल जो मेल है इनके लिए समय 1600 मीटर जो दौड़ है आपकी 5 मिनट 45 सेकेंड की, और लॉन्ग जंप में 14 फुट और हाई जंप में 4 फुट। कॉन्स्टेबल जो फीमेल में है तो दौड़ तो यहाँ पर नहीं है इसमें, तो इसमें 800 मीटर रन ये है 3 मिनट 40 सेकेंड में यहाँ पर दी गई है, 1600 में नहीं 800 में है ये।
लॉन्ग जंप इनके लिए 9 फुट की है और हाई जंप जो है वो 3 फीट की है। इसके बाद फिर ये PMT वगैरह आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है फिर डीवी। मेडिकल एग्जाम ट्रेनिंग और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल RRB वेबसाइट फॉर ऑथिक इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स ऑन वेरियस स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एनी चेंज इन दिस नोटिफिकेशन। तो जहाँ से भी आप जो इसमें अप्लाई करोगे तो उन्हीं की जो वेबसाइट यहाँ पर ये दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ जरूरी जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो अभी बताई गई है। तो कैंडिडेट मस्ट कीप देयर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड पर्सनल ईमेल आईडी एक्टिव थ्रू आउट द यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि जो भी आपके नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे तो सभी उसी पे आएंगे, तो चालू हालत में होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो जो है डेड हुई हुई हो, क्योंकि बाद में जो आप आपकी जो ईमेल वगैरह है उसे मोबाइल नंबर उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ यू कैंडिडेट विश टू फादर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल ऑफ एक्सेप्ट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ही सी मे डू सो बाय पेइंग ए मॉडिफिकेशन फीस ऑफ पे 250, नो रिफंडेबल फॉर ईच ऑप्शन। डिटेल फील्ड टू क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी चेंज। तो अगर आप उसमें कोई मॉडिफाई वगैरह अगर करना चाहते हैं तो 250 रुपये जो आपको यहाँ पर लगेंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपने फॉर्म को ठीक तरीके से भर लें, ताकि बाद में जा फिर उसमें चेंज करने की आवश्यकता ना रहे। इसके बाद फिर यहाँ पर ये इको लेटर है। और ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये फॉर्मेट दिए गए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट के लिए, और ये फॉर्मेट फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिस पर यहाँ पर साइन होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये जो है DC के डिप्टी कमिश्नर, एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिशियल, तो उनके यहाँ पर साइन होंगे। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर OBC नॉन क्रीम लेयर कैंडिडेट, और ये आपका NEXT 2 है इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ से आप जो है NEXT भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी भर्ती की डिटेल थी, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।